you <laughs> हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे वेलकम बैक टू माय चैनल यामी वाइब्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माय रिव्यू अबाउट दिस गार्नियर फ्रुक्टिस स्ट्रेंथनिंग शैम्पू लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग तो गाइज आज मैं इसी के बारे में अपना रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो गाइज सो हेयर एम हैविंग दिस प्रोडक्ट गाइज गार्नियर फ्रुक्टिस स्ट्रेंथनिंग लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग शैम्पू इट्स अ एंटी ब्रेकेज एंड एंटी स्प्लिट एंड शैम्पू गाइज एंड इट्स एम आर पी इज़ वन सिक्सटी रुपीज़ एंड क्वान्टिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ वन सेवेंटी फाइव एम एल सो गाइज़ आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम पास फाइव ईयर्स नॉट ऑन रेगुलर बेसिस बट या मैं इसे ऑल्टरनेटिवली यूज़ करती हूँ और uh, इसके मुझे बहुत कमेंडेबल रिजल्ट देखने को मिले हैं रियली अमेजिंग गाइज लाइक आपके हेयर्स को स्ट्रेंथनिंग देता है ठीक है आपके हेयर्स को शाइनियो बनाता है आपके हेयर्स को मैनेजेबल बनाता है गाइस इट्स एंटी ब्रेकेज एंड एंटी स्प्लिटेंट्स शैम्पू यहाँ पर लिखा भी है तो गाइज़ ये जो आपके स्प्लिटेंट्स है अगर आप ये सोच कर ले रहे हैं कि आपके स्प्लिटेंट्स ख़त्म हो जाएंगे जो पहले से आपको हुए हैं तो नहीं ऐसा नहीं है आपके स्प्लिटेंट्स नहीं ख़त्म होते ये तो फैक्ट है और ये सिर्फ आपके जो स्प्लेटेंट्स हैं उन्हें नए नए स्पिटेंट्स बनने से रोकता है ठीक है जो भी आपके बाल हैं उनमें न्यू स्पिटेंट्स बनने से रोकता है ये शैम्पू उसे ट्रीट नहीं करता जो आपके पहले से स्पिटेंट्स है अगर आप ये सोच के ले रहे हैं तो इट्स अप टू यू कि आप लेना चाहते भी हैं या नहीं ठीक है ये जो आपके पुराने स्पिटेंट्स हैं वो क्योर नहीं करता है और ना ही कोई भी शैम्पू की ओर कर सकता है बट गाइज़ आई डोंट थिंक सो कि स्पिटेंट्स कभी ख़त्म होते हैं फिर चाहे अगर आप ट्रिमिंग भी करवा लो एंड उसके बाद इस शैम्पू का रेगुलर यूज़ भी करते हो तो कितने समय तक आप यूज़ कर पाओगे इस शैम्पू का बिकॉज कुछ टाइम के बाद ये शैम्पू भी अपने बेनिफिट्स देना आपको बंद कर देगा यूजअली जैसा होता है आप कोई भी प्रोडक्ट का यूज़ करते हो इट्स नॉट अबाउट दिस शैम्पू शैम्पू के बारे में नहीं कह रही हूँ मैं कोई भी चीज़ हो आप किसी क्रीम का भी यूज़ करते हो किसी भी मेडिसिन का भी यूज़ करते हो तो अगर आप उसे लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हो तो वो भी अपने बेनिफिट्स देना बंद कर देते हैं तो सेम इसके साथ भी हो सकता है सो so गैज मुझे नहीं लगता कि स्प्लिटेंट्स कभी ख़त्म होते हैं और ऐसा नहीं है कि मुझे स्प्लिटेंट्स नहीं है मैंने भी इसी वजह से ये शैम्पू लिया था मुझे लगा था कि शायद जो मेरे स्प्लिटेंट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे बट ऐसा नहीं होता है और ये सिर्फ क्योर करता है कि मतलब न्यू फॉर्म होने से रोकता है गाइस जो हीट आप यूज़ करते हो ना अपने हेयर्स में सिर्फ वही रीज़न है आपके हेयर्स में स्प्लीटेंट्स होने का अगर आप उस अगर आप स्प्लिटेंट्स को ट्रीट करना चाहते हैं तो हीट से बचो अपने हेयर्स को हीट से प्रोटेक्ट करो सो so गाइज अब आप सोच रहे होगे कि आ, मुझे इस स्प्लिटेंट्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ा फिर भी मैं इस शैम्पू का इतने लॉन्ग टाइम से यूज़ क्यों कर रही हूँ द रीज़न इज़ गाइज I literally like this shampoo because it makes my hair manageable. It makes my hair lightweight and the fragrance was really good. बहुत अच्छा fragrance है shampoo का. And uh, आपको जैसा मैने पहले भी बताया कि मैं इसे alternatively use करती हूँ. तो जब भी मुझे ऐसा feel होता है कि मेरे बाल आज heavy से लग रहे हैं या फिर uh, बहुत गंदा सा feel हो रहा है, तो मैं इसका use कर लेती हूँ. And I really feel very relaxed after using this shampoo. So that's why I'm using this shampoo, guys. एंड आई रिकमेंड दिस शैम्पू टू एवरी फिर आपको चाहे स्पीटेंट्स की प्रॉब्लम है या नहीं है और ये काफ़ी अच्छा शैम्पू है गाइस आप डेफ़िनेटली इसका यूज़ कर सकते हो बस हाँ ये है कि आपके पहले जो पुराने स्पिटेंट्स हैं उन्हें ट्रीट नहीं करता इसमें ये नहीं लिखा है कि ये आपके स्पिटेंट्स को ट्रीट करेगा इसमें पैक पर भी मैंशन किया है कि ये नए जो आपके स्पिटेंट्स हैं उन्हें बनने से रोकता है सिर्फ आ, उन्हें ट्रीट नहीं करता गाइज आए तो सजेस्ट कि आप डेफ़िनेटली एक बार ज़रूर ट्राई करें इस शैम्पू का एंड आई अश्योर यू कि अगर आप एक बार इसे ट्राई करेंगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा इस शैम्पू को लेने के बाद एंड एंगाइज़ आप इस शैम्पू का हफ्ते में सिर्फ दो बार ही यूज़ करें एनफ होता है बिकॉज लाइक uh, like, अगर आप एक लाइक uh, like, जैसे आपने आज बाल धोए हैं तो तीन दिन तक ये आपके हेयर को काफ़ी अच्छे से यू नो मैनेजेबल बनाए रखता है एंड स्मूद बनाए रखता है तो ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है इसे यूज़ करने की एंड आपका जो शैम्पू है वो भी काफ़ी लंबे समय तक चल पड़ता है सो गाइज दिस इज़ रियली अमेजिंग एंड कमेंडेबल शैम्पू फॉर मी आई डोंट नो यू लाइक इट और नॉट बट इन जस्ट वन वॉश अगर आप इसे एक बार बाल धोगे ना ट्रस्ट मी गाइज यू जस्ट लव योर हेयर एंड ये आपके हेयर्स को बहुत लाइट वेट कर देता है लाइक like, जैसे आप स्पा के बाद किस तरह से आपके हेयर्स काफ़ी लाइट वेट लगता है लाइक like, आपको हैवीनेस नहीं लगती अपने हेयर्स की वजह से तो सेम वैसा होता है और वो चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस शैम्पू के बारे में तो गाइज़ आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस शैम्पू टू एवरी बॉडी लाइक ऑफिस गोइंग गर्ल्स है जो भी है मतलब जिन्हें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है कि आप बाल नहीं धो सकते हैं एक हफ्ते तक या तीन चार दिन तक तो उनके लिए बहुत अच्छा शैम्पू है गाइज बिकॉज इन जस्ट वन वॉश इट मेक्स योर हेयर मैनेजेबल वेरी नारिश्ड एंड वेरी यू नो स्मूदर एंड शाइनिया तो आई रिकमेंड आई डेफिनेटली रिकमेंड टू एवरी एंड गाइज़ अगर आप इसका कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली कर लीजिएगा सो गाइज़ आई रिकमेंड कि जब भी आप शैम्पू का यूज़ करें तो कंडीशनर का भी यूज़ करें और सी आई एम ऑल्सो यूजिंग दिस कंडिश्नर गार्नियर फ्रुक्टिस स्ट्रेंथनिंग लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग कंडीशनर ऑल्सो सो गाइज़ आई रिकमेंड कि आप भी कंडीशनर का यूज़ डेफिनेटली करें क्योंकि ये आपके हेयर्स को हेल्दी बनाए रखता है और हीट का कम से कम यूज़ करें तो आपके हेयर्स हेल्दी रहेंगे और ग्रो भी करेंगे सो so गाइज़ ये था इस प्रोडक्ट का रिव्यू आई होप आपको पसंद आया अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल तो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय एंड एंजॉय योर लाइफ गाइज बाय